Давай порасти. नमस्ते दोस्त। अपनी ट्रेन आ गई, फटाफट से निकलते हैं। चलो चलो, ये देखो कूली कूली नंबर टू। यस, आगे अपने अपने आगे आ गया अपना डिब्बा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नया व्लॉग में। हमारे ब्लैक होल का चैप्टर नंबर वन का तेरवा दिन। आज हम 3000 फीट की ऊंचाई पर जाके हमारा चैप्टर 3 चालू करेंगे। बाद ना करेंगे और फाइनली ट्रेन चल चुकी है। अभी आपको पता नहीं क्या चल रहा, थोड़ी देर में बताएंगे आप। तो गाइस फाइनली अराउंड एट जयपुर स्टेशन। एसी को मतलब थर्ड एसी। हाँ, अभी हमारे को जाना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। उससे पहले सोच रहे कुछ खा ले, लेकिन फिर खर्चा दीपक करेगा। दीपक बर्थडे पार्टी का नहीं चलेगा, बर्थडे पार्टी बर्थडे निकल गया, बर्थडे पार्टी नहीं। तो अभी चलते देखे। अभी सुबह सुबह मुँह तो बहुत बेकार हो रखा है मेरा। अरे अरे क्या कर रहे हैं, ये रखना भाई, रखे तो रखे तो ये रखना रखे। मेरा वजन यहाँ बढ़ रहा है, महंगा इतना बढ़ रहा है मेरा कपड़ा निकल गया आज। पुलिस ऑन द वे टू कश्मीर। प्रिंस को एक नंबर। यस, यहाँ से अपनी बोर्डिंग है 7:30 बजे। पहले ऐसे करते कुछ खा जाएगा। अभी हम आए हैं नीलम फूड सेंटर। ये आपको हर पूरा IRCTC अप्रूव्ड होता है। खाना एकदम शानदार क्वालिटी का मिलता है, IRCTC अप्रूव्ड नीलम फूड सेंटर, जो आपको मिलेगा हर रेलवे स्टेशन पे। और बेस्ट क्वालिटी का फूड प्रोवाइड होता है यहाँ पे। इसके अंदर दो पराठे, दो दही और एक ये ब्रेड बटर जैम। नहीं, पर जो रेलवे स्टेशन में मिलता है ना, उसके हिसाब से बहुत शानदार खाना हो गया। फटाफट में नाश्ता, बहुत ही शानदार नाश्ता था। एक्सपेक्टेड खाना हमारे को मिला यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 घंटे ज़्यादा लेट है। तो मैं तो क्लॉक रूम ढूंढने जा रहे हैं। क्लॉक रूम में देखते रहे क्या होता, क्लॉक रूम कोई मिल जाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई है लॉकर रूम के अंदर। हर लॉकर के अंदर एक बैग, और उसके अंदर अपन को लगेंगे 20 रुपये। और सबसे बड़ी बात हो गई कि हर लॉकर रूम के अंदर एक ताला लगाना जरूरी है। मैंने बोला 20 रुपये दूंगा, तो वो बोले कि 25 रुपये ले लेंगे। एक बैग के 25 दूंगा, मेरे तो एक बैग पे 45 रुपये पड़ रहेगा। फिर 5 रुपये की चीज़ ताले गए, ताला दे रहा है। ताला 25 रुपये का एक। अच्छा, तो 20 रुपये रख लेंगे अलग। 45 रुपये एक बैग के 45 पड़ रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ बाहर रेलवे स्टेशन के, दोनों का अंदर छोड़ के आया हूँ।
जैसे कि हम क्लॉक रूम में जाने वाले थे वो कैंसिल हो गया, तो अब हम जा रहे हैं स्लीपर रूम के अंदर। हमारे को जगह मिल गई है, हमने अपना बैग वैग रख दिया है, तो सब एक एक बार घूमने जा रहे हैं। तो अभी मेरा टर्न है और मेरे को लेने मेरे ईयरबड्स, तो वो लेने जा रहा हूँ। और अपनी ट्रेन थोड़ा लेट है इसलिए अभी कोई टेंशन नहीं है घूमने के लिए। अपनी ट्रेन 11 बजे तक आएगी और अभी 8 बज रही है। अभी मैं आया हूँ ईयरबड्स लेने, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा लूँ, नेक बैंड लूँ कि ईयरबड्स लूँ, क्योंकि नेक बैंड ऐसा कान गले में रहेंगे तो गिरने के चांस नहीं रहते, लेकिन ईयरबड्स गिर जाते हैं। लेकिन नेक बैंड की आवाज़ थोड़ी उल्टी सी थी और ईयरबड्स की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, तो समझ रहे हो ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा मेरा। तो अपन ने फाइनली ले लिया अपने ईयरबड्स पोर्ट, दूसरी कंपनी के वजह पर मेरे को पसंद नहीं आया वो। ए थोड़ा घूम के चलते ना, तुम पागल हो रहा है क्या, फोन ही आ गया आपको। ये देखो आयरन का आधार कार्ड का फोटो है। अब आई रहो ना पागल तक, मैंने कहा आ रहा हूँ, ये कब का कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। और AI लूडो हमारे साथ, AI के साथ खेल रहे हैं। और हम खाने वाले, इसका नाम क्या है, कॉइन खाकरा। हम निकले हुए बाहर, खाया पी के वापस बस हो गए, बोर हो गए। बहुत ज्यादा अभी बोर हो गए इसलिए थोड़ा थोड़ा बाहर निकले हुए। प्रिंस को ऐसे घोड़े देखे आया, घोड़िया उसको बोले बाहर चलते रहे, कहाँ घूमते आपको बताते कहाँ घूमते हैं। एक तो मेरा बाल पता नहीं इतने सूख लो रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बक्का लगाना पड़ेगा। 5 मिनट में11:50 सुबह निकलते हैं। ये देखो आर्यन को आपको गिर गया, इसलिए अपने ट्रेन का टाइम हो गया। लेकिन लफड़ा क्या हो रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इस पर अपनी शालीमार एक्सप्रेस आने वाली थी, लेकिन अभी इस पर ये घड़ी है तो वो हमारी आ रही 11:55 पे और ये 12:20 पे निकलेगी। तो मतलब पता नहीं चल रहा है कि ट्रेन हमारी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो बस उसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं एक एक लोगों से। अभी टीटी मिल गया, उसने बोला कि आएगी यहीं पे आएगी। फिर से पुली निकल चुके हैं अपना सामान लाद के। क्या कर रहा है भाई, कभी आओ तो अपने दोस्तों पर विश्वास मत करो और शालीमार ट्रेन में कभी मत लेटना, बहुत लेट आती, बहुत ज़्यादा लेट आती। और दोस्तों अगर ऐसा रात में हो तो भी नहीं मना कर देना, इसलिए खबड़ी ऐसे है सामान ले लेके घूम। यहाँ पे किसी ने वापस चेन खींच दी है, पहले हमारी गेट 2 घंटे लेट है और अब ये चेन खींच दी तो और लेट हो गई है ट्रेन। और ये बाहर का खाता मान लिया, इतनी देर बाद ये ट्रेन थोड़ी बहुत चलने लगी है और बस अपनी आने वाली है। फाइनली ट्रेन इधर आए दोस्तों, इसका वेट था हम आ गए दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ओए बड़ा इसको छोड़, फटाफट चल वाला, बड़बड़ खाना ढूंढना हमारे को, क्योंकि फटाफट हमारे को निकलना है। है क्या उधर, और चल 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 चल।
जाना है? अरे वो टिकट है ना, वो ला रहा है, क्यों खाना ला रहा है? खाना लेना प्लेट, चार प्लेट खाना, बिल हो गया ना, वो ले लिया पर्ची उसने, ले ली इसी से जा रहा हूँ मैं अपना। यहाँ पे भैया चार प्लेट फटाफट कर दो, जम्मू की ट्रेन है यार, बिल है ना ये, और कितना बिल लाऊं मैं? और तो रेलवे में ये बेस्ट खाना मिलता है, याद रखना। तू ले क्या, मैं यहाँ पे हूँ ना, क्या क्या लाना, क्या लाना? एक नंबर खाना भगवान, बेस्ट चीज है कि नहीं? और ये है इंट्रोडक्शन दे रहे दोस्तों, मैं हूँ इसका एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो हम मंजिल को ढूंढने के लिए राही बन के निकले हैं, पर अभी तक हमें मंजिल मिली नहीं है। 6 घंटे 8 घंटे ज़्यादा ट्रैवल कर चुके, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। राइट, खाना पे ट्रैवल करने के बाद अब जाके हम खाना ले रहे हैं, और मतलब ये सेटिस्फेक्शन जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में, सेटिस्फेक्शन कोई नहीं बता सकता। मतलब दिल्ली जैसे प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक फायर भी दी है, कुछ कैंडी हमने ऑर्डर किए, साथ ही में हमने 4 डीलर थाली भी ऑर्डर करी है, देखते हैं कैसा रहता है, कैसा क्या टेस्ट। और सारी थाली हमारे को 4 थाली 600 की पड़ी है, और सैंडविच 4 हमें 200 का बना है, और बहुत ही रीजनेबल बजट में से बेस्ट है। काफ़ी अच्छा खाना है, और काफ़ी अच्छी हाइजीन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। और प्रॉपर चेकिंग के बाद ही आपको बिल वगैरह कम के बाद ही आप मुझे मिलेंगे, तो यहाँ पे किसी भी तरह आपको यहाँ पे वो फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड या स्कैम वगैरह कुछ नहीं है। दिल्ली है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा ही होगा, कैपिटल है। सबका खाना हो गया है, कैसा लगा रहा खाना भाई? और अब हम थोड़ा बैठेंगे, घूमेंगे, और उसके बाद सोएंगे, तो आपको मिलते कल सुबह। अरे भाई एक नंबर चीज है, मजा आ गया भाई। दिव्यांशु भाई देख, तगड़ा शॉट आया भाई, देख देख।